नमस्ते। हाफ ईयरली के एग्जाम के विषय में मैं आप सबको कुछ बताना चाहता हूं। हाफ ईयरली एग्जाम के विषय में जो कि आपके क्वेश्चन पेपर के विषय में मैं कुछ डिस्कस करना चाहता हूं। आपका क्वेश्चन पेपर ठीक उसी पैटर्न पर है जैसा कि सीबीएसई बोर्ड ने 2020-21 के लिए सैंपल पेपर जारी किया है। इसमें बस सिलेबस कम है और पैटर्न ठीक वैसे ही है जैसे हाफ ईयरली एग्जाम का पैटर्न आपका है। इसमें जनरली कुल 38 क्वेश्चंस हैं और इस 38 क्वेश्चन में पार्ट ए और पार्ट बी दो सेक्शन हैं। पार्ट ए में दो सेक्शन हैं, सेक्शन वन और सेक्शन टू। पार्ट ए में सेक्शन वन में 16 क्वेश्चन हैं जो 60 आंसर टाइप हैं, जो 1 मार्क्स की क्वेश्चन है जिसका आंसर आपको 60 में देना है, जो 1 वर्ड या 1 लाइन में हो सकते हैं, ये क्वेश्चन 16 क्वेश्चन है। और पार्ट ए में जो सेक्शन टू है, पार्ट ए में सेक्शन टू में 2 क्वेश्चन है, वो केस स्टडी टाइप क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन दिए हुए हैं, पैराग्राफ टाइप के क्वेश्चन दिए हुए हैं, केस स्टडी टाइप के क्वेश्चन दिए हुए हैं, उसको आपको सीरियसली उसको अध्ययन करना है क्वेश्चन का। उसको अध्ययन करने के बाद नीचे 4 प्रश्न पूछे गए हैं, एक एक नंबर के एमसीक्यू टाइप के। उन 4 प्रश्नों में से एक कोई करेक्ट आंसर होगा, उसका उत्तर आपको लिखना पड़ेगा और उसका सही ऑप्शन आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा, सही ऑप्शन आपको लिखना पड़ेगा। और दूसरा पार्ट बी है, पार्ट बी में 3 सेक्शन है, पार्ट बी में 3 सेक्शन है, 3rd, 4th और 5th। 3rd सेक्शन में 10 क्वेश्चन है, 60 आंसर टाइप के, प्रत्येक क्वेश्चन 2 मार्क्स के हैं, इसका आंसर आपको लिखने हैं। उसके बाद 4th सेक्शन है, 4th सेक्शन में 7 क्वेश्चन है और इन सभी 7 क्वेश्चन थोड़ा सा लॉन्ग टाइप के हैं, इन सभी के आंसर आपको लिखने हैं। इसके बाद पार्ट बी में जो 5th पार्ट है, इसके लॉन्ग आंसर टाइप के क्वेश्चन हैं और इसमें 3 क्वेश्चन हैं, प्रत्येक क्वेश्चन 5 मार्क्स के हैं, इसमें इंटरनल चॉइस भी दिए गए हैं, इन सभी के आंसर आपको देने हैं। पार्ट बी में जो 5th सेक्शन है, 5th सेक्शन में 3 क्वेश्चन है, तो 3 क्वेश्चन सभी 5 मार्क्स के हैं, 5 मार्क्स के हैं, उनका आंसर आपको लिखना है, इसमें इंटरनल चॉइस भी है, उन सभी का आंसर आपको लिखना है। जब पूरा कंप्लीट पेपर आप लिख लें, आप कोशिश करिएगा सभी कंप्लीट पेपर A4 साइज का जो पेपर आता है उस पर करिएगा, ताकि आपका जो आंसर हो स्पष्ट दिखाई पड़े। और सभी को आंसर लिखने के बाद A4 साइज के पेपर का पेजिंग करते जाइएगा, नंबर 1, 2, 3, 4 इस तरह से पेज नंबर डालते जाइएगा, और लास्ट में कंप्लीट आंसर देने के बाद आप इसको स्कैन कर लीजिएगा। स्कैन करने के बाद इसकी PDF फाइल आप गूगल फॉर्म का लिंक आपको भेजा जाएगा, उस गूगल फॉर्म पर आप कल अपलोड कर दीजिएगा। अगर आपके गूगल फॉर्म पर किसी तरह से नहीं आ पाता है तो मैं अपना ईमेल दूंगा, उस ईमेल पर आप सेंड करने की कोशिश करिएगा। आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है, आप एक बार इस वीडियो को अवश्य देखिएगा, वीडियो को देखने के बाद आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। एक बार मैं फिर से आपको बता दे रहा हूं, आपका जो क्वेश्चन पेपर है हाफ ईयरली का ठीक उसी पैटर्न पर है जैसे सीबीएसई ने 2020-21 के लिए सैंपल पेपर जारी किया है। इसमें 2 पार्ट है, पार्ट ए और पार्ट बी। पार्ट ए में
पार्ट ए में दो सेक्शन है, पार्ट ई में दो सेक्शन है, सेक्शन वन और सेक्शन टू। सेक्शन वन में 16 क्वेश्चन है 1 मार्क्स के, सेक्शन टू में 2 क्वेश्चन है, केस स्टडी टाइप के हैं, जिसमें कि 4-4 MCQ टाइप के क्वेश्चन दिए गए हैं। प्रत्येक क्वेश्चन 1 मार्क्स के हैं, उसको आप सेलेक्ट करिएगा, जो ऑप्शन करेक्ट है उसको आप अपने A4 साइज के पेपर में नोट कर लीजिएगा। इसके बाद पार्ट बी में, पार्ट बी में 3 सेक्शन है, सेक्शन थर्ड, सेक्शन फोर और सेक्शन फिफ्थ। सेक्शन थर्ड में 10 क्वेश्चन है, 2 मार्क्स के हैं, 2 मार्क्स के ईच हैं, और उसको आप अपने आंसर सीट में सॉल्व करते जाइएगा। और फोर्थ सेक्शन, पार्ट बी के फोर्थ सेक्शन में 7 क्वेश्चन है, 3 मार्क्स के हैं, उसको आप करते जाइएगा। और पार्ट बी के फिफ्थ सेक्शन में 3 क्वेश्चन है, 5 मार्क्स के ईच हैं, उसको आप करिएगा। सारे क्वेश्चन होने के बाद A4 साइज के पेपर पर आप करिएगा। सारे क्वेश्चन होने के बाद आप रिवाइज कर लीजिएगा, रिवाइज करने के बाद A4 साइज पर पेज नंबर जरूर डालिएगा और गूगल फॉर्म पर आप अपलोड करिएगा। अगर और A4 साइज के फर्स्ट पेज पर अपना नाम, रोल नंबर और क्लास और सेक्शन जरूर लिखिएगा, और इसके बाद सभी को स्कैन करके आप गूगल फॉर्म पर अपलोड करिएगा। अगर किसी कारणवश आपके गूगल फॉर्म पर अपलोड नहीं हो पाता है तो आप, मैं अपना ईमेल एड्रेस नीचे लिख दूंगा आपके व्हाट्सएप ग्रुप में, और हमारे ईमेल एड्रेस पर आप इसको अपलोड कर दीजिएगा। ठीक, आपको और कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं होना चाहिए। आप एक मिनान से पेपर करिएगा, ये लिंक मैं 9 बजे के पहले भेज दूंगा। आपका ये पेपर 9 से 12 होगा, 9 से शुरू होगा और 12 बजे एंड हो जाएगा, जो 12:10 तक हमारे पास पहुंच जाएगा, उसी को मैं कंसीडर करूंगा, चाहे ईमेल के द्वारा हो चाहे गूगल फॉर्म के द्वारा हो। 12:10 पर आपका ईमेल हो या गूगल फॉर्म पर अपलोड हो, हमारे पास आ जाना चाहिए। ठीक ठीक, इस तरह से आपको करना है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है, और आप ईमानदारी से करिएगा। इसमें आपको टेस्ट करना, आपको अपने को टेस्ट करना, आपको बोर्ड के अनुसार अपने को प्रिपेयर करना है, और इसमें किसी प्रकार का आप कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। आपका टेस्ट है, इसलिए आप ईमानदारी से टेस्ट को, एग्जाम को दीजिएगा अपने से। ठीक है, गुड बाय, बेस्ट ऑफ लक।